said that there existed a large Hindu temple. Large Hindu temple. अब उसके बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पर जो एसआई का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ. दिस टेम्पल हैज़ अ बिग सेंट्रल चेंबर एंड एटलीस्ट वन चेंबर टू द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली. रिमेन्स ऑफ थ्री चैम्बर्स टू द नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट स्टिल एग्जिस्ट बट द रिमेन्स ऑफ द चैम्बर टू द ईस्ट एंड एनी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ इट कुड नॉट बी एसर्टेन फिजिकली एज द एरिया इज कवर्ड अंडर अ प्लेटफॉर्म विद स्टोन फ्लोरिंग. सेंट्रल चैम्बर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स द सेंट्रल हॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ, कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है. फिर इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है. जी फिर से पढ़ा. द टेम्पल हैड अ बिग सेंट्रल चेंबर एंड एटलीस्ट वन चेंबर टू द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली. Remains of three chambers to the north, south and west still exist, but the remains of the chamber to the east and any further extension of it could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. हिंदी में इसको थोड़ा सा विस्तार. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो एक जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं थ्री चैम्बर्स के वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं एसर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है. वो सेंट्रल चेंबर हुआ जहां जी सेंट्रल नहीं हो पा रहा. जी ये सेंट्रल चेंबर और मेन चेंबर की बात हो रही है. सेंट्रल और मेन चेंबर में एसर्टेन नहीं हो पा रहा, बाकी सब जगह पे एसर्टेन. जी जी इंस्क्रिप्शन पे एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था उस पे ऐसा है कि जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ. ड्यूरिंग द सर्वे अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर नोटिस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. अ टोटल ऑफ 34 इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रेजेंट सर्वे एंड 32 स्टैम्पेजेस वर टेकन. दीज आर इन फैक्ट इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल विच हैव बीन रीयूज्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे. दे इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस इन दी देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड स्क्रिप्ट्स. रीयूज ऑफ अर्लियर इंस्क्रिप्शंस इन द स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट द अर्लियर स्ट्रक्चर वर डिस्ट्रॉयड एंड देयर पार्ट्स वर रीयूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया. कौन कौन से लैंग्वेजेस एक बार बोलो. इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले हैं.